Assalamualaikum. So today's lecture is about bacterial growth. और आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह ग्रो करते हैं. बैक्टीरियाज ग्रोथ कैन बी टेकन प्लेस बाय बाइनरी फिशन. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डस बाइनरी फिशन मीन. बाइनरी फिशन मीन को आसान जबान में आप बिल्कुल ऐसा समझ लें कि एक सेल है वो डिवाइड हो जाएगा दो के अंदर, दो जो है वो चार के अंदर डिवाइड हो जाएगा, चार जो है आठ में. बाइनरी रिफर्स फॉर टू, ठीक है जी. तो बाइनरी फिशन मीन्स यानी कि एक सेल है वो दो में डिवाइड होगा, जो है दो चार में, चार आठ में, सो ऑन. एंड ड्यूरिंग दैट सो मेनी फेजेस हैपन ड्यूरिंग द डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस. इसका मतलब ये है कि जब कोई बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होता है थ्रू बाइनरी फिशन, इस पूरे फिशन डिवीजन के अंदर बहुत सारे इवेंट्स और फेजेस जो है वो होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो तरीके से ग्रोथ जो है वो आनी चाहिए. एक तो ये कि जो सेल है वो अपने साइज में ग्रो हो रहा है, अभी वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है. और जाहिर सी बात है, अगर उसको साइज में ग्रो होना है तो उसको हर वो ज़रूरी चीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड एंड विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ. बैक्टीरिया आर सपोज टू प्रिपेयर ऑल दोज एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड रिक्वायर्ड स्टफ, ताकि वो ग्रो कर सके. और दूसरा हमारे जहन में ये आना चाहिए कि वो सेल डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो जब कभी बैक्टीरियल ग्रोथ की बात हम करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आनी चाहिए. एक तो ये कि वो अपने साइज में ग्रो कर रहा है, उसके लिए भी उसे चीज़ें बनानी है, एंजाइम्स बनाना है, प्रोटीन्स बनानी है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, जो जो आप लोगों ने बैक्टीरियल सेल वॉल और उसके सारे स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं बैक्टीरिया के, वो सारी चीज़ें उसको बनानी है. और दूसरा वो फिर डिवाइड होगा. अब जब वो डिवाइड होगा तो डेफिनेटली उसके लिए उसको और दूसरी प्रोटीन्स बनानी होंगी, और जब वो डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो जो डिवाइडेड सेल्स हैं वो भी ग्रो हों, तो उनको भी फिर सारी चीज़ें बनानी होंगी. तो इस सारे फिनोमेना में कुछ फेजेस जो हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे. उससे पहले आप लोगों को कुछ टाइप्स पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो ग्रो करता है तो वो कितने तरीकों से ग्रो करता है. मतलब कितने तरीकों से ग्रो, मुराद यहाँ पे मैं फिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक अपना बिहेवियर होता है जो कि वो डिफरेंट फेजेस के अंदर एग्जिबिट करता है बैक्टीरिया, ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ साइकिल क्या होता है, बायफेजिक ग्रोथ क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ सेल इन एक्सपोनेंशियल फेज क्या कहलाता है, सिंक्रोनस ग्रोथ क्या होती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो क्या होती है, ठीक है जी. इसको हम आगे भी फर्दर डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा. तो ग्रोथ साइकिल क्या होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट. व्हेन सूटेबल एनवायरनमेंट इज देयर दैट टाइम बैक्टीरियम इज इंक्यूबेटेड, इट्स ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स which allow definite course. ठीक है, यही मैं आपको बात कर बता रहा था कि जो बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो उसकी ग्रोथ को हम रेगुलेट कर सकते हैं या इन्हेंस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके. यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उसे एक न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी. जो आप मीडिया आप लोगों ने लैब्स के अंदर यूज़ किए हैं, जो ब्रॉथ आप लोगों ने यूज़ किए हैं, मैंने ये भी आपको बताया था कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है उनके मुख्तलिफ डिमांड होती हैं, दे हैव डिफरेंट डिमांड्स टू ग्रो. तो उसको यू हैव टू प्रोवाइड दो न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन ग्रो ईजली इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. व्हेन सूटेबल एनवायरनमेंट इज देयर दैट टाइम बैक्टीरिया इज इंक्यूबेटेड, और फिर आप उसको इंक्यूबेट कर देते हैं, उसको टाइम प्रोवाइड करते हैं कि वो उस न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्यूबेट हो और ग्रो. और इसमें होगा क्या, उसके नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ग्रो करेंगे. इससे एक बात, एक पॉइंट रेज होता है, व्हाट वुड हैपन
if nutritional environment is exhausted or the nutrients which are required for bacterial growth are finished, तो जाहिर सी बात है bacteria will stop growing. तो इसका मतलब ये हुआ कि bacteria ने एक nutritional environment में differently behave किया है. सही, तो अब वो जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे वो वैसे वैसे ग्रो होगा. अब जाहिर सी बात है जब बैक्टीरिया ग्रो हो गए तो उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी न्यूट्रिशन जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं तो उसके नतीजे में एज अ एंड प्रोडक्ट कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल भी बनता है. ठीक है जी, तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह उसका क्या इफेक्ट होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का. तो आसान जमान में आप अभी आप इसको इस तरह समझ लें कि जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है, और उसके उस बिहेवियर की वजह से हमने उस ग्रोथ कर्व को या ग्रोथ साइकिल को हमने चार डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया. पहला कहलाता है लैग फेज, दूसरा कहलाता है लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा कहलाता है स्टेशनरी फेज, और चौथा कहलाता है डिक्लाइन फेज. ये फेजेस आपको इसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए. तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया जो ग्रो करता है और या उसका जो ग्रोथ कर्व है या उसकी जो ग्रोथ साइकिल है उसके कितने फेजेस होते हैं, तो देयर आर फोर फेजेस. द फर्स्ट वन इज लैग फेज. आई विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स व्हाट हैपेंस इन लैग फेज. द सेकंड वन इज लॉग फेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज. थर्ड वन इज स्टेशनरी फेज एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन फेज. बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और साइकिल दिखने में कुछ इस तरह का होता है. अगर आप देखें कि ये एक प्लॉट, ये कर्व प्लॉट हुआ हुआ है जिसपे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिए गए हैं लॉग नंबर्स में. ये हम लॉग स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जो है वो एक दो तीन चार तो नहीं होता, ये तो लाखों हजारों करोड़ों होता है. तो इस वजह से हम उसको जो बड़े नंबर्स होते हैं उसको हम प्लॉट करने के लिए हम लॉग वैल्यूज उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हमेशा किसमें बताई जाती है, लॉग वैल्यूज के अंदर बताई जाती है. डू नॉट कंफ्यूज दिस लॉग विद दिस लॉग फेज. ये एक तरीके से रिलेट तो करता है लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ ये वाला लॉग फेज जो है इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं. ये सिर्फ नंबर्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ लॉग वैल्यूज होंगी, एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पाँच लाख. और यहाँ पे जो है ये टाइम होगा एक घंटा, छः घंटा, दस घंटा, बारह घंटा, चौबीस घंटा, दो दिन, तीन दिन. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रोथ कर्व स्टार्ट फ्रॉम द लैग फेज. द फर्स्ट वन इज द लैग फेज. इसमें समझने वाली बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसमें नंबर ऑफ सेल्स बैक्टीरिया जो है वो नहीं बढ़ रहा है. ठीक है जी. अच्छा, ये यहाँ से ही जीरो है, ये क्या चीज है? ये जो है इसका मतलब ये आपका स्टार्टर कल्चर है, यानी कि आपने कितने बैक्टीरिया जो है वो उनसे आपने अपना एक्सपेरिमेंट या ग्रोथ कर्व शुरू हुआ. तो ये जो स्टार्टिंग नंबर है, हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे, ये जीरो टाइम के ऊपर है. जब आप इसको मीडिया प्रोवाइड करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग नंबर ऑफ सेल्स है ये डिवाइड नहीं होंगे बल्कि ये ग्रो करेंगे और ये अपनी चीजें कुछ प्रिपेयर करेंगे ताकि वो आगे ग्रो हो सके. तो लैग फेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर प्रिपेयरिंग दोज स्टफ, दोज प्रोटीन्स, दोज एंजाइम्स, दोज एसेंशियल कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, और यू कैन से व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर डिवीजन, और व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें कुछ टाइम बहरहाल स्पेंड होता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज नहीं होते. अब यहाँ से लॉग फेज के बाद जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है, लैग फेज के बाद जो है वो शुरू हो जाता है, ये लैग फेज है, इसके बाद शुरू हो जाता है लॉग फेज. इसके अंदर आप ये देखेंगे कि टाइम कम, टाइम के मुकाबले में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हुए. ठीक है, यानी कि टाइम जो है वो कम खर्च हुआ है लेकिन बैक्टीरिया ने बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया. अब जो मैं यहाँ की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि दे आर डिवाइडिंग, दे आर मल्टीप्लाइंग, एंड दे आर मल्टीप्लाइंग सो फास्ट दैट द डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिवीजन या एक्सपोनेंशियल फेज. यानी कि हम इसको
1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, तो ये वैल्यूज जो है वो लॉग में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस वजह हमने लॉग स्केल भी यहाँ पर लिया हुआ। तो लॉग फेज के अंदर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के पास इस पॉइंट के ऊपर सारी चीजें तैयार होती हैं कि वो अब मजीद आगे डिवाइड हो सके, मल्टीप्लाई हो सके, तो वो एंटर हो जाता है लॉग फेज के अंदर। उसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है विच इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि अब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन अगेन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो दे स्टॉप ग्रोइंग और दे स्टार्ट डाइंग, वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, इसको आप यूं समझ लें कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जितने बन रहे होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, यानी कि जितने डिवाइड हो रहे होते हैं बैक्टीरिया उतने ही वो मर भी रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक स्टेशनरी फेज कहलाते हैं, यानी कि अब ये स्टैटिक कंडीशन हो गई, सही। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब जब इस पॉइंट के ऊपर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल खत्म हो गए, तो अब अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएगा और यहाँ से वो फिर उसका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं डेथ फेज। तो 4 फेज हो गए, इसका मतलब है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। लैग फेज के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एसेंशियल components, proteins, enzymes को बना रहे होते हैं, which are required to enter into the log phase, and in log phase they are dividing, they are multiplying very rapidly, and at this point when the death rate is equal to the growth rate, यानी कि उनका grow होने का rate और मरने का जो rate है वो equal हो जाता है, तो फिर stationary phase आ जाता है जिसमें time बढ़ रहा है, number of cells कोई नहीं बढ़ रहा है, और फिर जब न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है, तो उनका डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली अबाउट ग्रोथ कर्व और ग्रोथ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सारी बातें जो भी मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। सो व्हाट इज लैग फेज? बैक्टीरिया adapt themselves to growth conditions. It is the period where the individual bacteria are maturing, yani ke wo mature ho rahe hain, grow kar rahe hain, they are not dividing but they are growing and not yet able to divide, right? During the lag phase of the bacterial growth cycle, synthesis of RNA, enzymes and other molecules occurs. Length of this phase depend on type of bacterial species. This is typo error, this is not स्पीशीज की स्पेलिंग देख लीजिएगा। टाइप ऑफ कल्चर मीडियम, जो मीडिया आपने यूज किया है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर ये सारी चीजें आपने, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, ठीक है, एंड और ये भी आपको बताया था हमने इकोलाई के बारे में कि इकोलाई का जो डिवीजन टाइम होता है वो 20 मिनट से अराउंड 20 मिनट, 15 to 20 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट में वो डिवाइड होना डबल हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी स्पीशी आप यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया की, कौन सा मीडियम आप उसको दे रहे हैं, अच्छा मीडियम दे रहे हैं जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो जो उसको चाहिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि ऑप्टिमम कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस, गुड मीडियम, तो उनका लैग फेज जो है वो कम होगा, छोटा होगा, ठीक है जी। तो ये 1 से 4 घंटे के दरमियान। सेकेंड फेज हम बात कर रहे हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें जो कि तकरीबन 8 घंटों का होता है, समटाइम्स कॉल्ड द लॉग फेज और द लॉगरिथमिक फेज। अच्छा, ये है क्या? इट इज अ पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग। तो इसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, डबल डिवाइड का मतलब है डबल, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, इसको इस तरह याद रखिएगा। आगे जाके लेक्चर में हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन करेंगे वो हमें समझ में आनी चाहिए।
The number of new bacteria appearing per unit time is proportional to the present population. ठीक है जी, तो एक यूनिट टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो बन रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, वो प्रेजेंट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अभी कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं वो लॉग फेज के अंदर बहुत तेजी से जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि अगर आपने 1 लाख से शुरू किया तो वो 2 लाख हो जाएंगे, अगर आपने 2 लाख से शुरू किया है तो वो 4 लाख हो जाएंगे। सो इफ ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड, और मैंने आपको बता दिया कि इसकी ग्रोथ लिमिट कब हो जाती है, जब वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स खत्म होना चाहते हैं। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि ना ही वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है हम एज्यूम कर सकते हैं, और ना ही न्यूट्रिएंट्स कभी खत्म हो रहा है। सो इफ ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड डबलिंग विल कंटिन्यू एट अ कॉन्स्टेंट रेट, सो बोथ द नंबर ऑफ सेल्स एंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज डबल्स विद ईच कंजेक्टिव टाइम पीरियड। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर जो है वो डबल होना शुरू हो जाएगा। अगर कब हो जाएंगे, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म ना हो रहे हो और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट ना हो रहा और सारी कंडीशन जो है वो फेवर में हो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक वक्त के बाद जो है न्यूट्रिएंट्स वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे और वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर लैग फेज से जो है वो सेल एंड बैक्टीरिया जो वो एंटर हो जाएंगे किसके अंदर, स्टेशनरी फेज के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, द स्लोप जो लॉग फेज की मैं बात कर रहा हूँ, अब ध्यान में आपके लॉग फेज आ जाना चाहिए जो इस तरह की एक लाइन थी। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम के अंदर एक सेल जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। The actual rate of this depends upon the growth conditions, जो मैं आपको बता चुका हूँ, which affect the frequency of cell division events and the probability of both daughter cells surviving. अच्छा, इसमें ये इसका क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो daughter cells जब वो जो parent cell है वो divide होगा किसके अंदर, daughter cells के अंदर। जब वो divide हो जाएगा तो वो भी फिर survive करेगा, वो जो daughter cell है वो भी survive करेगा, फिर आगे जाके वो भी double होगा। अब वो जो डॉटर सेल था वो पेरेंट सेल बन जाएगा, फिर उसके जो डॉटर सेल होंगे वो सरवाइव करेंगे एंड दे विल डिवाइड अगेन, साइकल्स कंटिन्यू। सो अंडर कंट्रोल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया कैन डबल देयर पॉपुलेशन 4 times अ डे। तो अगर आप बात करें तो उसका मतलब ये हुआ कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो 6 घंटे के अंदर डबल हो जाता है, तो 24 घंटे के अंदर वो 4 दफा डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट सपोज एक साइनोबैक्टीरिया है तो वो 24 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, पहले 6 घंटे में वो होगा 1 से 2, दूसरे 6 घंटे में होगा वो 2 से 4, तीसरे 6 घंटे में वो होगा 4 से 8, और चौथे 6 घंटे में वो 24 घंटे में वो हो जाएगा 8 से 16। ठीक है, तो इस तरह ये सेल्स ग्रो करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप व्हेन यू आर डीलिंग विद millions of cells, they will definitely, if they become double, so there will be a lot of cells after at the end of the day. So that's why they are called exponential growth. अच्छा जी, exponential growth cannot continue indefinitely. मैंने कहा जैसे कि आपको बताया कि indefinitely cells grow नहीं कर सकते, उसका reason क्या है, क्यों, क्योंकि media के जो nutrients हैं वो भी deplete होना शुरू हो जाएंगे और waste जो है वो भी जमा होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसी कंडीशन कोई डेवलप कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता रहे। यानी कि हमेशा सवाल मेरा ये है, क्या हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सेल्स हमेशा लॉग फेज में रहे, यानी कि हमेशा वो डिवाइड होते रहे, कभी भी स्टेशनरी फेज में ना जाए। तो यस, इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको दो चीजें करना पड़ेंगी। एक्सपोनेंशियल, पहले तो ये समझेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से स्टेशनरी फेज में जाने की वजह क्या है। दो वजह है, मीडियम खत्म हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों वजूहात को खत्म कर दें तो फिर क्या होगा, हमेशा सेल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में या एक्सपोनेंशियल फेज में रहेंगे। तो आप क्या करें, आप
जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल के बाहर करते रहें और उसमें नया मीडियम ऐड करते रहें। तो जब आप वेस्ट निकालते रहेंगे, नया मीडियम ऐड करते रहेंगे, वेस्ट निकालते रहेंगे, नया मीडियम ऐड करते रहेंगे, तो बैक्टीरियल सेल हमेशा लॉग फेज में रहे। ठीक है जी। ऐसा कल्चर जिसमें आप इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करें कि जिसमें हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते रहें और न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन करते रहें, ऐसे कल्चर को हम कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है जी। ये सवाल आ सकता है कि कंटिन्यूस कल्चर क्या होता है, डिफाइन करें। तो कंटिन्यूस कल्चर वो कल्चर होता है जो कि हर वक्त एक्सपोनेंशियल फेज में रहता है। उसकी वजह क्या है कि आप जो है उसको नए न्यूट्रिएंट्स और नया मीडियम देते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहते हैं। स्टेशनरी फेज मैं आपको बता चुका हूँ। द स्टेशनरी फेज जो है वो तीसरा फेज है, इज ड्यू टू द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर। ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? न्यूट्रिएंट्स का एग्जॉस्ट होना और वेस्ट प्रोडक्ट का जमा होना। एन ऑकवर्ड बट अनफॉर्चुनेटली वाइड स्प्रेड एक्सप्लेनेशन इज दैट द स्टेशनरी फेज रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिचुएशन इन विच ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट हैव द सेम वैल्यूज। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने के लिए, इसको इन्होंने एन ऑकवर्ड बट कहा है, वो बेसिकली इसको समझने के लिए कहा है कि जाहिर सी बात है जब आप मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर बात करते हैं और जो जो आप जो ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं आप, ये एक बेसिकली एक मैथमेटिकल पिक्चर है, एक ग्राफ है। तो जब आप वैल्यूज के अंदर बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं। तो आप इसको समझने के स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा होता है कि जितने सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं उतने ही, जितने सेल्स नए बन रहे होते हैं उतने ही जो है वो मर भी रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से वो आपके पास मैथमेटिकल वैल्यू प्लस माइनस में कर दें अगर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितने बड़े उतने ही कम होगा। तो जाहिर सी बात है पॉइंट जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा फिलहाल होता नहीं है। उसकी क्या है, सच एन एक्सप्लेनेशन वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जर्व्ड सबस्ट्रेट डिप्लीशन एंड आल्सो कुड नेवर एक्सप्लेन द रादर स्मूथ हॉरिजॉन्टल लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज। ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो जाहिर सी बात है कुछ बढ़ेंगे फिर मरेंगे दोनों। ऐसा नहीं होता कि 10 पैदा हुए और 10 मर गए, फिर 10 पैदा हुए फिर 10 मर, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से बिल्कुल स्ट्रेट कर्व नहीं आती। लेकिन समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि चूंकि जितने सेल्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जितने सेल्स नए बन रहे होते हैं उतने ही सेल्स बैक्टीरियल सेल उतने ही मर रहे होते हैं, तो इस वजह से एक स्टेशनरी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। ठीक है जी। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए क्या है, ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स। अच्छा, डेथ ऑफ सेल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रादर अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अनदर नॉट रियली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज इज दैट देयर इज नॉट एनी मोर इनफ स्पेस फॉर द सेल्स। जाहिर सी बात है कि इसको आप अगर जब हम डिस्कस करें कि जितने सेल्स पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम स्पेस की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल इनको स्पेस तो चाहिए। लेकिन जब आपने कभी आप कुछ स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, आपको बीच में अच्छी खासी जगह जो है वो नजर आ जाती है। इसके अलावा जब आप प्लेट के ऊपर ग्रो करते हैं सेल्स को, तो उसमें भी कॉलोनी के दरमियान भी आपको बहुत अच्छी खासी जगह नजर आ जाती है, अनटिल अनलेस आप उसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए इंक्यूबेट कर दें। तो वो एक वक्त आता है कि वो प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा कॉलोनीज उसके ऊपर ग्रो कर जाती है। तो बहरहाल ये वो सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि एक आपको आइडिया देती है बेसिकली कि हो क्या रहा होता है, असल में हो क्या रहा होता है। तो अगर हम इसको आसान बिल्कुल लफ्ज में एक्सप्लेन करें, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो शुरू में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वो डिवाइड हो सके। तो जाहिर सी बात है उसमें भी वो ग्रो हो रहे होते होंगे, उसमें भी वो वेस्ट मटेरियल कुछ ना कुछ बना रहे होते होंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अचानक डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और वो लैग फेज के अंदर चले जाते हैं। जब तक उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि उनकी डेथ होने लगे बहुत तेजी से, उस लैग फेज के अंदर भी सेल्स जो है वो मर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लैग फेज के अंदर सभी ग्रो कर रहे हैं, मर नहीं रहे। जाहिर सी बात है जिनकी लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है वो तो मरेंगे, जो पुराने सेल्स हैं पेरेंट सेल्स हैं उनकी एक एज होती है वो मर जाते हैं।
लेकिन बहरहाल हम जब मैथमेटिकली उसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसमें ये बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल इतना जमा हो जाता है कि वो अब तेजी से ग्रो नहीं कर सकते, तो वो जितने ग्रो होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, तो फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सारी चीजें जो है वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और टॉक्सिक मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है या वेस्ट मटेरियल इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया रन आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाई, ऑल द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, द डिक्लाइन फेज इज ब्रॉट बाय एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलिटिक एंजाइम्स। समटाइम्स अ स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स मे परसिस्ट फॉर मंथ इवन आफ्टर डेथ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स। स्टिल कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपके पास जब कोई बहुत पुराना कल्चर कभी आपको मिलता है, या आपने देखा होगा कि जो पुराने पुराने बिल्कुल कोई सैंपल्स होते हैं जब हम उसकी बात करते हैं, तो बहरहाल उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सारी कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हुए, टॉलरेट करते हुए, वो बहरहाल इवन ऑल मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर डेड बट दे कैन सर्वाइव। तो आप उनको जब दोबारा से नए न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो देयर आर चांसेस दैट दे कैन ग्रो अगेन, वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज आपको पता होनी चाहिए व्हिच इज कॉल्ड सिंक्रोनस ग्रोथ। सिंक्रोनस ग्रोथ क्या होती है? बैक्टीरिया ग्रो नॉन सिंक्रोनसली, यानी के नॉन सिंक्रोनसली माने क्या होता है कि जो सेल्स हैं उन जो कल्चर है उसमें जो बैक्टीरिया है वो मुख्तलिफ एज है उनकी, सही है जी। तो यानी कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेम एज नहीं होती है, उसमें से कुछ ओल्ड होंगे, कुछ न्यूली डिवाइडेड होंगे, कुछ को डिवाइड हुए टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो जो ऐसा कल्चर होता है जिसमें आपको मुख्तलिफ एज के सेल्स मिले उसको हम कहते हैं नॉन सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस ऑब्वियसली इसका उलट हो गया, जिसके अंदर आपको एक ही किस्म के, एक ही एज के जो है आपको सेल्स मिले। तो बैक्टीरिया ग्रो नॉन सिंक्रोनसली, ये असल में ऐसा होता है इन ऑर्डिनरी कल्चर मीडियम, दैट इज एट एनी मोमेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ साइकिल। अच्छा, डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ साइकिल का मतलब क्या है? कि ऐसा कल्चर जिसमें कुछ सेल्स जो है वो लैग फेज पर होंगे एक ही ट्यूब के अंदर, इसको यूं समझ लें कि एक ही ट्यूब के अंदर कुछ सेल्स जो है वो लैग फेज के अंदर होंगे, कुछ लॉग फेज में गुजर रहे होंगे, कुछ स्टेशनरी फेज के ऊपर होंगे और कुछ जो है वो मर रहे होंगे। तो ऐसी ट्यूब या ऐसा कल्चर जिसमें आपको मुख्तलिफ एज के सेल्स मिल रहे हैं, मुख्तलिफ फेजेस के ऊपर सेल्स मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं नॉन सिंक्रोनस। अच्छा, और ऐसा कल्चर जिसमें आप किसी तरह ये मालूम कर लें कि ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे एक ही फेज में हैं, सारे के सारे एक ही फेज का मतलब क्या है कि अगर वो लैग फेज के अंदर हैं तो सारे सेल्स लैग फेज में, अगर वो लॉग फेज के अंदर हैं तो सारे सेल्स लॉग फेज में, अगर वो स्टेशनरी फेज में है तो सारे सेल्स स्टेशनरी फेज में, और अगर सेल्स डिक्लाइन फेज में है तो सारे सेल्स डिक्लाइन फेज में, यानी कि सारे सेल्स किसी ना किसी ग्रोथ कर्व के एक फेज में होंगे। ऐसे कल्चर को हम कहते हैं सिंक्रोनस कल्चर। सच ग्रोथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग इन सिंगल सेल लाइक स्टडीज ऑन डीएनए सिंथेसिस। तो अगर आप मालूम ये करना चाह रहे हैं कि एक सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस कब होता है, कितनी देर में होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी स्टडी को स्पेसिफिक करने के लिए आपको जो सेल्स, एक सेल तो नहीं ले सकते आप तो अगर बैक्टीरिया लेंगे तो वो तो लाखों होंगे, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को, एक एक्टिविटी को, एक इवेंट को आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा दैट यू हैव टू हैव ऑल सेल्स एट सेम फेज ऑफ ग्रोथ कर्व। तो ऐसी स्टडीज को करने के लिए आपको सिंक्रोनस ग्रोथ या सिंक्रोनस कल्चर चाहिए होता है, विच इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग इन रियल। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया नॉन सिंक्रोनसली ग्रो करता है, लेकिन जब आप किसी एक इवेंट को स्टडी करना चाहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को देखना चाहते हैं, कोई किसी चीज का इफेक्ट देखना चाहते हैं, किसी ड्रग का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट कब होता है, तो ऑब्वियसली जब वो बहुत सारे सेल्स आप लेंगे बैक्टीरिया के, तो उन सबको एक ही फेज पे होना जरूरी है ताकि आपकी स्टडी जो है वो सिग्निफिकेंट रहे। ठीक है, तो ऐसे कल्चर को जिसमें सेल सारे एक ही फेज पर हो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कल्चर।
बैक्टीरियल ग्रोथ इन वीवो. इन वीवो क्या होता है, आपको दो टर्म्स मैंने बताई थी, एक कहलाती है इन वीवो और एक कहलाती है इन विट्रो, VITRO. इन विट्रो का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट जो आप प्लेट्स पे रन करते हैं, ट्यूब्स के अंदर रन करते हैं, या बेंच पे एक्सपेरिमेंट जो भी आप करते हैं लैब के अंदर, वो बेसिकली कराता है इन विट्रो. वो आर्टिफिशियल कंडीशंस होती है. लेकिन अगर आप किसी तरह इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बैक्टीरिया है वो किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल में वो किस तरह इन्फेक्शन करता है, तो आप उसी एनिमल को एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें वो इन्फेक्शन कॉज करके आप बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं. तो जिसके अंदर आप क्लोज टू नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो वो कहलाता है इन वीवो. ठीक है, तो बात समझ में आ गया इन विट्रो और इन वीवो का फर्क. इन विट्रो के अंदर आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इन वीवो के अंदर आप क्लोज टू नेचुरल एनवायरनमेंट या ऑलमोस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दे ग्रो मच फास्टर इन विट्रो देन इन वीवो. अच्छा, इन विट्रो के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं. मिसाल के तौर पे जो आप ट्यूब में इनोकुलेट करते हैं, जिसमें ब्रॉथ है, मीडियम है, उसमें आपने कल्चर इनोकुलेट किया, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट कहला रहा है इन विट्रो. और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपने जो इन विट्रो के अंदर जो कंडीशंस प्रोवाइड किए हैं वो बहुत अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड किए, आपने उसको जबरदस्त एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से बहुत तेजी से गुजर रहा है. लेकिन इन विवो में अगर आप किसी फर्स्ट करें आप कोई माइस या रैट ले लेते हैं और उसमें आप इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस एनिमल का अपना एक इम्यून सिस्टम है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ब्लड है, वहाँ पे मुख्तलिफ साइटोकाइंस हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं और बहुत किस्म के डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो कि जाहिर सी बात है उन बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने में रेजिस्ट कर सकती है. ठीक है जी, तो यहाँ पे इन विट्रो कंडीशन में इसीलिए आपको जो बैक्टीरियल कल्चर दिया जाता है वो इन विट्रो दिया जाता है, ताकि आप 24 घंटे के अंदर उसको ग्रो करके अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकें. ठीक है जी. अच्छा, वेरियस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इन विवो इंक्लूड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी, यानी जो भी आप एनिमल यूज कर रहे हैं उसका खुद का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, जनरेशन टाइम क्या है, उसमें वहां पे वो बैक्टीरिया जो है वो कितनी टाइम में डिवाइड हो रहा है. जरूरी नहीं है कि इन विट्रो में, जाहिर सी बात है इन विट्रो में जल्दी वो डिवाइड होगा, लेकिन इन विवो में कम हो जाएगा. अच्छा, जो एनिमल है उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयरन कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजें उस इन विवो एनवायरमेंट में है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ पे इफेक्ट डाल सकते हैं. तो इस स्लाइड का जो टेक होम लेसन है वो बेसिकली ये है कि इन विवो के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं विच कैन affect the bacterial growth, और in vitro के अंदर आप ideal conditions provide करते हैं which is very good conditions, optimal condition, जिसमें जो है वो bacteria बहुत तेजी से grow करता है in comparison with in vivo conditions. That's all about bacterial growth. तो इसको आप अच्छे से इसको पढ़ लें और ये अपने concepts clear कर लें. अगर कोई सवाल है तो आप group पे पूछ सकते हैं या अपने CR को forward को बता सकते हैं, वो मुझे forward कर देंगे. Anyone of you do not have my contact number. और आगे जो हम next lecture लेंगे उसको हम इससे connect करेंगे, तो that would be pretty interesting and good for you. ठीक है जी, thank you very much. Love you.